नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज़। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेदी खास प्रोग्राम में। जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव जीतने के लिए पार्टियां क्या क्या हथकंडे अपनाती हैं आप सभी को पता है, और उसके बाद शायद जब किसी की सरकार बन जाती है, किसी पार्टी की सरकार बन जाती है या कोई वहाँ का स्थानीय नेता अगर जीत जाता है तो क्या कहा जाता है। क्या वो अपनी छवि से जीतता है? क्या वो अपने द्वारा किए गए कामों से जीतता है? क्या वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जीता है या फिर वो किसी और तरीके से जीता है? जाहिर सी बात है, जब चुनाव आते हैं तो ऐसे कई नेता सामने आते हैं जो दबकर पैसा लुटाते हैं, पैसे के बल पर वोट लेते हैं, नोट बांटते हैं और उसी के बल पर उन्हें वोट मिलते हैं। नोट दो वोट लो। शराबों का इस्तेमाल किया जाता है, बोतलें भिजवाई जाती हैं, शराब वितरित की जाती है। ऐसा ही एक मामला आया है कर्नाटक से, और ये कोई मामला नया नहीं है, यानी कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ऐसा होना लाजमी सी बात हो गई है। इसीलिए चुनावों में इतना पैसा खर्च किया जाता है। अगर वहाँ के शो के लिए, प्रचार के लिए किया जाता है तो जाहिर सी बात है भीड़ इकट्ठी करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। अब एक खबर है जिसे देख कर आप चौंक जाएंगे। कोई छोटा मोटा नेता तो समझ आता है, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता क्या बांटता दिखे, नोट बांटता दिखे, तो जाहिर सी बात है आप चौंक जाएंगे। मैं सीधा रुख आपका करना चाहूंगा एक खबर की ओर। क्या सिद्धारमैया पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं? एक वेबसाइट की एक खबर है, और इसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। सिद्धारमैया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके कि ये कुछ दे रहे हैं, और अगर और इस खबर को हालांकि किस उसमें लिया गया है, क्या वो सही में नोट बांट रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं या इसे गलत तरीके से पेश किया है, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये चुनाव के चलते ही पैसे बांट रहे हों, ये किसी और चीज़ के लिए भी काम कर रहे हों और इसे गलत तरीके से पेश किया गया हो। जी हाँ, इस खबर में क्या है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और इसमें कितनी सच्चाई है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट जो कि कर्नाटक के सीएम और देश के पीएम के बीच की है। देखिए खास कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यही नहीं, बयानों का पलटवार करने में कोई भी देर नहीं बरत रहा है। मैसूर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और लोगों से सवाल किया था कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली सरकार चाहिए। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को भ्रष्टाचार में मददगार तक कह डाला था। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2016 में नोटबंदी की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया, आपने पीएम मोदी ने आम जनता को उनका पैसा बैंक में जमा कराने के लिए लाइन में लगवा दिया, और उसके बाद नीरव मोदी जो कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है, उसको जनता के 12,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जाने दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट के साथ एक पॉलिटिकल कार्टून भी जोड़ा जिसमें एक और नोटबंदी को दर्शाया गया। उसी तस्वीर में दूसरी ओर नीरव मोदी और विजय माल्या को भागते हुए दर्शाते हुए दिखाया गया। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने बोला क्या था। तो आपको बताएं, पीएम मोदी ने मैसूर में आयोजित एक रैली में कमीशन का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कमीशन की जगह मिशन वाली सरकार चुनने के लिए बीजेपी का साथ दें। इसके इतर मोदी ने कहा था, मैंने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य के अंदर 10% कमीशन वाली सरकार के काबिज होने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे लोगों के फ़ोन आए जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन 10% से ज़्यादा है, आप यह फैसला करें कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में दोबारा पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला और उन्हें सीधा रुपया सरकार बताया, और यह भी कहा कि ऐसी सरकार एक मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने यहाँ एक भाजपा किसान रैली में कहा, यह अब साफ हो गया है कि कर्नाटक सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जनता में काफ़ी नाराज़गी है।
तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में येदुरप्पा को पेश करेगी। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है और सिद्धारमैया सरकार एक सीधा रुपया सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा यह एक ऐसा मुख्यमंत्री है, कुछ लोगों को लगता है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार है, लेकिन सच यह है कि यहाँ सीधा रुपया सरकार है। हर चीज़ में सीधा रुपया है तभी काम होता है। तो देखा आपने कि किस तरह से पीएम और सीएम के बीच वॉर हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके नीचे एक लाइन लिखी है, क्या सिद्धारमैया नोट के खेल से वोट हासिल करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। कर्नाटक में अपनी सत्ता बचाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई नेता जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन अपने राजनीतिक फैसलों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले सिद्धारमैया खुद की मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया पर वोटरों के बीच पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। जी हाँ, आरोप ऐसे लगे हैं और शायद इनमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक नहीं पता चला। दरअसल हाल ही में चुनाव प्रचार के लिए वो मैसूर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लोगों को पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सिद्धारमैया एक गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर और समर्थकों को पैसे दे रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब सीएम मैसूर के रमनहल्ली में दौरे पर गए थे। उधर सिद्धारमैया का ये वीडियो सामने आते ही बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने बकायदा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। बीजेपी का आरोप यह है कि सिद्धारमैया ने चामुंडेश्वरी मंदिर में स्वागत करने वाली दो महिलाओं को चुनाव प्रचार के दौरान 2000 रुपये बांटे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्य अर्चक को भी 2000 रुपये दिए। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर एक ही चरण में यानी कि 12 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजों की घोषणा 15 मई को होगी। जाहिर है कि अगर चुनाव आयोग की शुरुआती जांच में आचार संहिता के उल्लंघन की बात सामने आती है तो फिर सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपने एक बात देखी होगी, यहाँ पे सिद्धारमैया का जब से वीडियो सामने आया है बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने बकायदा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। अच्छी बात है, अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो दूसरी पार्टी उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। मैं एक सवाल ये बनता है कि आखिर बीजेपी पार्टी जब कहाँ चली जाती है, उनकी शिकायत जब कहाँ चली जाती है, जब उन्हीं की बीजेपी आईटी सेल का हेड चुनाव आयोग से पहले उनकी तारीख का ऐलान कर देता है। चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करने के लिए बैठा है और उससे पहले ही बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय अपने ट्विटर पर कर्नाटक चुनाव की घोषणा कर देता है। ऐसे समय में बीजेपी पार्टी क्यों नहीं शिकायत करती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चुनाव आयोग से पहले उन्हीं की आईटी सेल के हेड को पता चल गया हो। ऐसे में बीजेपी पार्टी कहां चली जाती है कि बीजेपी पार्टी इसकी शिकायत नहीं करती? क्यों बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही देख रही है? क्यों बीजेपी पार्टी अपने ही आईटी सेल के हेड को नहीं देख रही कि आखिर उसे कैसे पता चल गया कि कर्नाटक में चुनाव की तारीख चुनाव आयोग से पहले उसको कैसे पता चल गई? अगर बीजेपी पार्टी सही है तो उन्हें उस जिस तरह से वो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, तो गलत तो ये भी है। तो बीजेपी पार्टी ऐसे में कहां, ऐसे में चुप्पी क्यों साध लेती है? और ऐसे में आईटी सेल के हेड भले उनकी पार्टी के हैं तो वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं? और जब ये इस पर जब विपक्ष इसको लेकर घेरने लगता है बीजेपी को, तो वो बीजेपी नेता अमित मालवीय अपने ट्विटर से उसको डिलीट कर देते हैं। क्या इस पे बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो चुनाव आयोग से शिकायत करे, चुनाव आयोग से पूछे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि आपकी खुफिया जानकारी कैसे आईटी सेल के हेड को पता चल गई? जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है और बड़ी बात है कि आखिर इसमें कौन से नपते नजर आएंगे। ये सवाल जहां बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए किया है, लेकिन बीजेपी सरकार अभी भी अपने
नेताओं को लेकर घिरी हुई है और देखना चलेगा। और इस मामले में वो कह चुके हैं कि जांच चल रही है, चुनाव आयोग भी कह चुका है कि जांच चल रही है, लेकिन ये जांच कब तक चलेगी और इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा ये कह पाना मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।